तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, एक बायोग्राफी और ड्रामा मूवी आने वाली है थिएटर में, वीर सावरकर के नाम से, स्टारिंग रणदीप हुड्डा, प्लेड बाय सेम नाम अंकिता लोखंडे एंड अमित सैल इन लीड रोल, जिसका ट्रेलर रिलीज हो गया है जो मैंने देख लिया है। तो कैसा आया ट्रेलर, आइए बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मूवी का नाम है और इसके नाम को देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि यह मूवी लेट विनायक दामोदर सावरकर जी की बायोपिक है, जिनके बारे में हम में से बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे कि कैसे कैसे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना हिस्सा लिया, कैसे कैसे बलिदान दिया और हिंदू राष्ट्र की मुहिम को उठाया था। वो एक अनसंग हीरो थे और इसी अनसंग हीरो की कहानी को हमारे सामने फिल्म के रूप में रखने जा रहे हैं रणदीप हुड्डा। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि रणदीप हुड्डा एक ऐसे एक्टर है जो पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं भाई, उनकी एक्टिंग की वजह से, क्योंकि यार वो अपनी फिल्मों के लिए किस हद तक चले जाते हैं और कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, ये तो आपने सरबजीत को देखकर अंदाजा लगा लिया होगा कि उन्होंने सरबजीत मूवी के लिए 30 किलो वजन कम कर लिया था भाई साहब, जिसमें उनकी हालत मर्द जैसी हो गई थी। एनीवे, ट्रेलर की अगर बात करें तो दोस्तों 3 मिनट और 22 सेकंड के ट्रेलर में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था भाई, जिसमें दमदार बीजीएम, बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी और जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी सुनने को मिलती है। ट्रेलर के शुरुआत में हमें बताया गया है कि आज तक हमने पढ़ा है कि आज़ादी सिर्फ अहिंसा से ही मिली है, लेकिन ये गलत है, सच्चाई कुछ और ही है। और दोस्तों, इस मूवी में रणदीप हुड्डा के कई सारे अलग अलग लुक और ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे आपको, जो नो डाउट अच्छे लग रहे थे। मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी है और उस टाइम का दिखाने के लिए जो सेट लगाए गए और ऊपर से इसकी कलर ग्रेडिंग, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था भाई साहब। और दोस्तों, वीर सावरकर जी ने कैसे आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और इन सब के लिए उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और यहाँ तक कि उनको उम्र कैद की सजा भी हुई, वो भी 2 बार, इन सब चीज़ों को डायलॉग के थ्रू अच्छे से समझाया गया है। चूंकि दोस्तों यह एक बायोपिक मूवी है तो रिजल्ट तो हम सबको पता ही है, लेकिन इस रिजल्ट के लिए हमारे अनसंग हीरो ने किस किस तरह के बलिदान दिए और उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये सब कुछ हमें मूवी में देखने को मिलेगा। दोस्तों, ट्रेलर के एंड में हमें एक डायलॉग सुनने को मिलता है कि क्या आपने सोचा है कि कांग्रेस के किसी भी नेता को आज तक काले पानी की सजा क्यों नहीं हुई? और भाई, मुझे इसी बात का डर है कि कहीं इस मूवी के साथ भी ये वाला हाल ना हो जाए, ये तो मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, यह मूवी 22 मार्च को थिएटर में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। और दोस्तों, एक बात और बता दूं मैं आपको कि इस मूवी को खुद रणदीप हुड्डा ने डायरेक्ट किया है और इस मूवी से वो डायरेक्शन की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं भाई साहब। और भाई, इस मूवी की लेंथ होने वाली है 2 घंटे 56 मिनट, यानी कि ऑलमोस्ट 3 घंटे के आसपास, तो इंटरवल को मिला के आपको लगभग 3.5 घंटे के आसपास थिएटर में रहना पड़ेगा। तो आप इसी बात को ध्यान में रखते हुए मूवी देखने के लिए जाए। वैसे दोस्तों, बायोपिक मूवी में इतनी लेंथ तो होनी चाहिए यार, नहीं तो हमने इससे पहले मैं अटल मूवी देखी थी जिसकी लेंथ 2 घंटे 20 मिनट के आसपास थी, लेकिन भाई मूवी हमारे सर के ऊपर से निकल गई इसकी लेंथ की वजह से। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में दिखाया गया है जिसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था। एनीवे, ओवरऑल अगर ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर काफ़ी दमदार लगा मुझे, इसमें कोई डाउट नहीं। आई होप मूवी भी अच्छी निकले। तो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा रिव्यू वीर सावरकर जी के ट्रेलर के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करो यार, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।